टेक्निकल आरजे 19 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंच हुआ हुआ पाइप को सीधा कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम पंच पाइप को सीधा कैसे करें। दोस्तों जैसे ये पंच है, अगर ये ज़्यादा भी पंच हो जाए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा कैसे करें ये बता दूं। अगर आप इसको 2-3 बार राउंड करोगे तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या ऐसे पंच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, वापस ना इसको सीधा करना है, ठीक है। तो सीधा कैसे करें अभी मैं बता दूँ। पिलास ले और हल्का सा यहाँ पे दबाए इसको, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। फिर हल्का हल्का धीरे धीरे इसको सीधा कर दें, ठीक है। अब भी आपको ये पंच लग रहा है और सीधा नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको डाई लेना है, ठीक है। अगर जिस साइज़ का पाइप है उस साइज़ के फरमे में, ठीक है, अपन को इस डाई में लगा देना है। जैसे 5/8 का है तो मैं 5/8 में लगा देता हूँ, और जो पंच मुंह है वो अपन को डाई के ऊपर और नीचे की साइड में रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसको डाई को लगा देना है, टाइट कर देना है। घुमाने के बाद ये अपना पाइप यहाँ से सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वापस अपन निकाल देंगे। लूज कर दिया और इसको निकाल दिया। देखिए दोस्तों पहले से भी काफी अच्छा अपना हो गया। अगर लग रहा है आपको यहाँ से थोड़ा आगे से और पंच है, डाई लगाइए और इसको थोड़ा आगे से और सही कर दीजिए। वैसे ही इस पंच को अपन सही कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपना पंच सही कैसे करते हैं ये बता दिया, ताकि आपको पाइप कहीं से काट के वापस ज्वाइन नहीं करना पड़े और आराम से आप उसको डाई के सहायता से उसको सही कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।